every girl here wanna be a. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. मिनी मार्केट गुलबर्ग में तहजीब की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर अदाकारा रीमा खान, मॉडल आमना हक, अम्मार बिलाल, महरीन सैयद, स्टाइलिस्ट शहजाद रजा, गुलुकारा एनी, हुमैरा मलिक, साहिम अली दादा, सलमा तुराब, अरुण जफर, अब्दुल अलीम खान समेत मुतअद्दिद खवातीनों हजरात ने शिरकत की। आउटलेट में 25 डिजाइनर्स के पार्टी वियर, ब्राइडल मलबूसात, फुटवेयर, फर्नीचर, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, सैलून और इवेंट मैनेजमेंट के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां शादी ब्याह की तमाम जरूरियात एक ही छत तले दस्तयाब होंगी। इस सिलसिले में फैशन डिजाइनर्स का कहना है कि ऐसे ब्रांडेड स्टोर से डिजाइनर्स को एक ही जगह अपना काम डिस्प्ले करने का मौका मिलेगा और मुकाबले की अच्छी फजा कायम होगी, जबकि नए डिजाइनर्स भी इस मौका से फायदा उठाएंगे। वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, आई एडमायर इट पर्सनली, बिकॉज जगह जगह जाने से बेहतर है कि अंडर वन रूफ यू गॉट ईच एंड एवरीथिंग। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों को सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए डिजाइनर्स को, अपकमिंग डिजाइनर्स को। दुल्हा दुल्हन के अलावा यहाँ पे सब कुछ मिलता है। So I'm very excited to be here and I wish Tehzeeb the best of luck. अच्छी बात है, कॉम्पिटिशन तो अच्छा होता है, ज्यादा इकट्ठे सबका प्रोडक्ट आता है तो बेहतर से बेहतर चीज निकलती है। एक ही छत के नीचे मिलके काम कर सकते हैं, यूनिटी की बहुत सख्त जरूरत है हमारे मुल्क में, जो कि इस किस्म के ब्रांड स्टोर्स के आने से वो ज्यादा देखने को मिलती है। खवातीन का कहना है कि मौजूदा मसरूफ दौर में ऐसे मल्टी ब्रांड स्टोर के शहर में खुलने से लाहौरियों को शॉपिंग करने में बड़ी सहूलत मिली है। आपके पास एक प्लेटफॉर्म है कि आपको सिर्फ महंगे से महंगा डिजाइनर के पास नहीं जाना, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ लोअर एंड प्राइसेस गोइंग अप एज वेल। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल एंड आई थिंक इट्स अ फैबुलस आइडिया टू हैव अ स्टोर इन द सेंटर ऑफ यू नो लाहौर, एंड इट्स ऑफ कोर्स केटर्स टू द बिगेस्ट बिजनेस इन द फैशन इंडस्ट्री व्हिच इज द ब्राइडल बिजनेस। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस, एवरीथिंग अंडर वन रूफ एंड ब्यूटीफुल ड्रेसेस एंड आई थिंक दिस इज टू गुड। तकरीब में फैशन डिजाइनर्स के मलबूसात जेब तन करके मॉडल सारा गिलानी, आमिना बाबर, सोफिया अहमद और दीगर ने डिस्प्ले भी किया, जिसे वहाँ आई हुई खवातीन ने बेहद पसंद किया और डिजाइनर्स के मलबूसात, ज्वेलरी और दीगर अशिया में बेहद दिलचस्पी ली। मॉडल्स का कहना है कि इन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अदाकारा रीमा खान भी खसूसी तौर पर आउटलेट के इफ्तिताह के मौके पर आई। इनका भी कहना है कि ऐसे ब्रांडेड स्टोर से फैशन इंडस्ट्री को तकवीयत मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी फैशन इंडस्ट्री इतना इम्प्रूव कर रही है और लोगों को एक अच्छे माहौल के साथ साथ आप बहुत अच्छे डिजाइन्स भी जो हैं वो देखने को मिलेंगे और टॉप डिजाइनर्स जो हैं उनकी कलेक्शन आपको एक ही जगह मिलेगी। तहजीब की CEO अना ने बताया कि इनका इस स्टोर को शुरू करने का मकसद यही है कि सार्फिन को हर अच्छी और मियारी चीज एक ही जगह मिले। वी हैव गॉट अ ह्यूज क्लाइंटल जिनका हमेशा से प्रॉब्लम था कि जी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाना पड़ता है और काम खराब हो जाते हैं, तो ये एक इस तरह की जगह है जहाँ पे अगर आपको शादी का ख्याल आएगा तो साथ ही आपके स्टोर पे आपको उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है आपके लिए। शहर लाहौर में ऐसे ब्रांडेड स्टोर्स के खुलने से सार्फिन को एक ही छत तले शादी ब्याह की तमाम जरूरियात की अशिया मिलना खुशाइन है। फैशन इंडस्ट्री के इस तरह तरक्की करने से मुईशत भी मजबूत होगी और वो दिन दूर नहीं जब लाहौर की फैशन इंडस्ट्री दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी। कैमरामैन काशिफ बे के साथ जैन मदनी, सिटी 42, गुलबर्ग।